Assalamualaikum dear students, welcome to Christian Public High School and College System Mushti Campus. Achha dear students, today we are going to solve some questions related to quadratic equation by quadratic equations of reducible quadratic equations. The questions we are going to solve are from exercise 1.3. Question number seven. X divided by 2x plus 3 plus 2x plus 3 divided by x is equal to 164 divided by 65, where x is not equal to 0, where x is not equal to 0 and x is also not equal to minus 3 upon 2. So dear students, in this question we have given two conditions. The first condition is that x is not equal to 0. X अगर 0 के equal हो जाएगा, let's suppose, तो 0 divided by anything is 0. Therefore x cannot be equal to 0. क्योंकि अगर इधर x 0 हो गया, 0 divided by anything 0, ये term 0 हो जाएगा. अच्छा, ये term क्या होगा? 0 divided by 0 indeterminate form हो जाएगा. ये देखो, 0 0 multiplied by 2 0, 0 plus 3 3, 3 divided by 0, anything divided by 0 is infinity. ठीक, तो x 0 नहीं हो सकता है, ये बात इसका समझ आ गया. दूसरी बात यह कि x minus 3 upon 2 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x minus 3 upon 2 हुआ तो नीचे इधर 0 आएगा, और अगर इधर 0 आया तो anything divided by 0 is infinity. ये क्या होगा, ए टर्म इंफिनिटी हो जाएगा, और ए टर्म क्या होगा, एक्स माइनस थ्री अपॉन टू हुआ तो ऊपर आएगा जीरो, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, तो ये वापस जीरो हो जाएगी. यानी ये दोनों टर्म, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तभी तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज दिस इक्वेशन कैन नॉट बी, कैन नॉट एग्जिस्ट. ठीक, अब हम जाएंगे इस क्वेश्चन पे. जैसे कि हमने कहा, दीज आर द रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दे कैन बी रिड्यूस्ड. अच्छा, सॉल्यूशन पे जाएंगे. सॉल्यूशन एक्स 2x plus 3 divided by x is equal to 194 divided by 65. हम लेट करते कि जो x divided by 2x plus 3 ये हमारे पास y के इक्वल, अगर ये हमारे पास x and 2x plus 3 ये y के इक्वल है, तो अगर इसको उल्टा करूं मैं, let's suppose इसको 2x को उल्टा लूं, तो क्या करेंगे, वो एक टर्म आता है रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल क्या होता है, दोनों साइड को उल्टा ले, इसका मतलब इधर नीचे क्या है 1 है, इधर नीचे 2x plus 3, अगर इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा, 2x plus 3 ऊपर जाएगा एंड x नीचे आएगा, और 1 ऊपर जाएगा और y नीचे आ जाएगा. ठीक, इस तरह. अच्छा, अब क्या होगा, हमने क्या किया, हमने लेट किया ये y के इक्वल है, अगर ये y के इक्वल है तो इसका लेट वन अपन y के इक्वल होगा, जैसे कि ये y हुआ, ये वन अपन y हुआ,
हूँ क्योंकि x अपन 2x प्लस 3 y हुआ, तो 2x प्लस 3 अपन x क्या होगा 1 ओवर y हो जाएगा। तो करो आप क्या होगा y प्लस 1 अपन y इज इक्वल टू 194 डिवाइड बाई 65 इस तरह y प्लस 1 अपन y इज इक्वल टू 194 डिवाइड बाई 65 सही। अब यहां पे क्या है y एलसीएम दो, y को y पे डिवाइड किया जाओ क्या है सॉरी y को 1 पे डिवाइड किया जाओ y, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को y पे डिवाइड किया जाओ 1, 1 को y से मल्टीप्लाई किया 1 इज इक्वल टू 194 डिवाइड बाई 65 ठीक। अब क्या करेंगे अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे उर्दू में कहते हैं जरा भी चिल्ली पाई, जरा भी चिल्ली पाई, जरा भी चिल्ली पाई। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या क्या कहते हैं कि भाई ये नीचे वाला जाके इधर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी डिनोमिनेटर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, इधर का डिनोमिनेटर इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 65 मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड 194 मल्टीप्लाई बाई वाई, 65 मल्टीप्लाई हुआ वाई स्क्वायर से तो 65 वाई स्क्वायर प्लस 65 माइनस 194 वाई डिवाइड बाई 0, 65 y स्क्वायर माइनस 194 y प्लस 65 इक्वल टू 0 ठीक। अब क्या होगा ठीक, अब आप इसको मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले ही सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर बनाना मुश्किल है, फैक्टर इसके बन जाए, अगर बने भी तो तब भी मुख्तलिफ स्टेप्स पे करने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। क्या होगा कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a is 65, b is minus 194, c is 65 ठीक। अच्छा put in minus b plus minus b square minus 4 ac divided by 2a। अच्छा माइनस बी यानी माइनस 194 प्लस माइनस अंडर रूट 194 माइनस 194 का स्क्वायर, अच्छा माइनस 4 ए सी, व्हाट इज ए, ए 65, व्हाट इज बी सॉरी सी, सी इज आल्सो 65 डिवाइड में 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 65 ठीक। अब इसको हम कैलकुलेटर में करेंगे,
अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये y इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 1994 प्लस माइनस अंडर रूट 194 को अगर 194 से मल्टीप्लाई कर माइनस 465 मल्टीप्लाई बाय 65 करोगे तो जवाब आएगा इधर 2273736। इसका जवाब आएगा नीचे आएगा 130। ठीक, अच्छा y इक्वल टू 194 प्लस माइनस इसको हम लिख सकते 144 मल्टीप्लाई बाय 144 194 प्लस माइनस 144 स्क्वायर डिवाइड बाय 130 y इक्वल टू 194 प्लस माइनस 144 डिवाइड बाय 130। नाउ वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ y। फर्स्ट वैल्यू ऑफ y इज 194 प्लस 144 डिवाइड बाय 130 y 194 प्लस 144 194 minus 144 answer is 50। y is equal to 194 minus 144 is 50 divided by 135 upon 13, one answer is 5 upon 13। Acha, second answer is 65 3 1s are 2 2 6s are 12 2 6s are 12 2 9s are 18। एक वैल्यू हमारे पास ये आया, अब हम क्या करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास सिर्फ y का वैल्यू था, हमने सब्स्टिट्यूट किया यहां तक वैल्यू लाया, अब हम क्या करेंगे, हम जो एक्चुअल वैल्यू है उस पे जाएंगे। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या था, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास वेरिएबल हमारे पास x था और y खुद क्या था, x upon 2x plus 3 के इक्वल था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को उठाएंगे, उसके जगह पर x upon 2x plus 3 लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगेन रिप्लेसिंग करेंगे, फिर जाके हमारे पास ये सवाल आएगा। हम इसको वापस यहाँ पे करेंगे, यस
अब हम क्या करेंगे, हम y के एक वैल्यू को उठाएंगे, y की जगह पर आप लिख सकते हो रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग y विद x अपॉन 2x प्लस 3। रिप्लेस करो x अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 169 डिवाइड बाय 65। अच्छा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 65x इज इक्वल टू 169 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। 65x 169 मल्टीप्लाई बाय 2, 169 मल्टीप्लाई बाय 2 338x एंड 169 मल्टीप्लाई बाय 3 507। अब शिफ्ट करेंगे इसको 338x माइनस 65x, इसको उधर शिफ्ट करेंगे 507 को उधर, माइनस 507 65 से 65 निकालो, 338 माइनस 65 273x इज इक्वल टू माइनस 507 माइनस 507। अच्छा x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा माइनस 507 डिवाइड बाई 273। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, अगर आप इसको देखो 3 पर ही जा सकते हैं, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 रह गया 3 6s are 18, 2 रह गया 3 9s are, ठीक। अब फर्दर थ्री पर वापस ले जाते हैं, थ्री पे नहीं जाएगा, 7 9s are फर्दर इसको सुमादर वैल्यू पे ले जाए तो किस चीज पे जाएगा,
अगर 3 पे ले जाए 3 वन जा 3 3 जा 9 नहीं जाएगा, 13 पे ले जाए 13 पे जाएगा, 13 13 जा 169, 13 13 13 जा 169, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, यस 13 13 जा 169, 13 पे जाएगा, और 13 7 जा 91, 91 13 के टेबल में आ गया। तो x का एक वैल्यू ये हुआ, अब x का दूसरा वैल्यू करते हैं। ये भाई ट्राई एंड एरर है मैथमेटिक्स, इसमें बस आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन की जानिब जाओगे, और कोशिश करो आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो आपके छोटे मोटे मिस्टेक्स कम से कम हो जाएंगे। जी अब दूसरा, ये तो हमने x का ये वाला वैल्यू उठाया था, मतलब y को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था इस के जगह पर, अब y को रिप्लेस करना पड़ेगा इधर, तो once again x divided by 2x plus 3 is equal to 5 upon 13, again by cross multiplication, by cross multiplication थर्टीन एक्स फाइव टू एक्स प्लस थ्री थर्टीन एक्स टेन एक्स प्लस फिफ्टीन थर्टीन एक्स माइनस टेन एक्स फिफ्टीन थर्टीन एक्स से टेन एक्स निकालो थ्री एक्स अपॉन फिफ्टीन फिफ्टीन अपॉन थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव। चेक करते हैं इसके आंसर, सॉल्यूशन सेट में एक्स के दो वैल्यूज आ गए, यस माइनस थर्टीन अपॉन सेवन एंड फाइव सॉल्यूशन सेट, माइनस 13 upon 7 and 5. Yes, dear students. A and question number 7, exercise 1.3. Exercise 1.3. हमने question solve किया 7. अब आपका question, आपका homework है question number next. Question number 8 आपका homework है. अच्छा कुछ students का response मिल रहा है, ज्यादा फीडबैक मिल रहा है, और बाकी स्टूडेंट भी कोशिश कर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। टेंथ क्लास में अफसा और बाकी स्टूडेंट्स में से कुछ और स्टूडेंट्स है जर्जा में, और बॉयज में से वकार अहमद, कुछ स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स भी होमवर्क करते जाए और मुझे क्वेश्चंस भेजे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक और एक्स प्लस एक्स प्लस टू डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर। समीर भी सही है रिस्पॉन्स दे रहा है, एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू 17 अपॉन फोर,
ये आपका क्वेश्चन है, इसको जरूर करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।